दोस्तों, किसी भी प्रोग्रामर की लाइफ में दरअसल तीन ऐसे पिलर होते हैं जिसपे एक प्रोग्रामर का करियर टिका होता है। या सच कहूँ तो हम लोग टिके रहते हैं इन तीन पिलर्स की वजह से, और ये तीन पिलर्स होंगे गूगल, स्टैक ओवरफ्लो, ऑनलाइन फोरम्स। अब चाहे कोई डेवलपर कितना भी एक्सपीरियंस हो, कभी कभी बहुत छोटी सी चीज हम लोग गूगल पे सर्च करने लग जाते हैं। बिलीव मी, आई एम हैविंग 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और कभी कभी मैं लिटरली ये सर्च करता हूँ कि हाउ टू स्प्लाइस एन एरे इन जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, वी डेफिनेटली नो, बट कभी कभी सिंटेक्स इशू चेक करने के लिए हम सभी लोग ऐसा करते हैं। ये आपके साथ भी होता होगा, और दोस्तों इसीलिए हम लोग इन तीन पिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि किसी भी पोजिशन को स्टेबल रखने के लिए तो चार पिलर की जरूरत होती है, तो ये चौथा पिलर क्या है? तो दोस्तों, ये चौथा पिलर अभी रिसेंटली में ही ऐड हुआ है और एक हॉट इंटरेस्ट बन चुका है अमंग डेवलपर्स, और इस चौथे पिलर का नाम है चैट जीपीटी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने वाले लोगों के लिए चैट जीपीटी कोई डेफिनेटली नया नाम नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जरूर आपने चैट जीपीटी के बारे में ऑफ कोर्स सुना होगा। दोस्तों, चैट जीपीटी एक ऑनलाइन एआई टूल है जिसे बनाया गया है ओपन एआई के द्वारा, और फर्स्ट टाइम ये रिलीज किया गया था नवंबर 2022 में। दोस्तों, आज की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि नेटफ्लिक्स, गूगल, फेसबुक को अपने 1 मिलियन यूजर बनाने में जहां महीनों लग गए थे, वहीं चैट जीपीटी ने इस माइलस्टोन को केवल 5 दिनों में हासिल किया। चैट जीपीटी की मदद से हम किसी आर्टिकल को लिख सकते हैं, ईमेल टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं, कवर लेटर बना सकते हैं, और न जाने कितने ही काम बड़ी चुटकियों में कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो का एजेंडा है कि बीइंग एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, कैसे चैट जीपीटी वुड बी फोर्थ पिलर फॉर यू, और कैसे चैट जीपीटी कैन जनरेट द कोड इन योर रेस्पेक्टिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस एंड मच मोर। और इसके अलावा भी डमी डेटा को जनरेट करना, यूनिट टेस्ट केसेस तक लिखना, एक लैंग्वेज के कोड को दूसरे लैंग्वेज में बदल देना, ये भी हम सभी चैट जीपीटी से कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, चैट जीपीटी से अपने नॉर्मल क्वेश्चन और डाउट को भी हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी आपको एक टीचर की तरह रिप्लाई करेगा, इट मीन्स यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योर जॉब इंटरव्यूज विद चैट जीपीटी। तो चलिए दोस्तों, कुछ ऐसे ही टेक्निक्स और ट्रिक को यूज करते हैं आज की इस वीडियो में, और जानते हैं कि हाउ मच दिस एआई टूल कैन हेल्प अस इन योर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। बट बिफोर टू स्टार्ट दिस वीडियो, छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि बिकॉज ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है, तो जो भी डेटा चैट जीपीटी पे हम देखते हैं, जो वो हमें जनरेट करके देता है, इट मे बी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और बायस इंफॉर्मेशन। दोस्तों, चैट जीपीटी अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग मॉडल का इस्तेमाल करता है, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज को समझने के लिए GPT-3 मॉडल, और किसी प्रोग्रामिंग कोड को समझने के लिए या उसे जनरेट करने के लिए कोडेक्स का। वैसे तो ये कोडेक्स मॉडल सबसे ज्यादा सटीक आउटपुट देता है पाइथन लैंग्वेज में, लेकिन चैट जीपीटी इज ऑल्सो कैपेबल टू जनरेट जावास्क्रिप्ट कोड, टाइपस्क्रिप्ट कोड, रूबी, एचटीएमएल, सीएसएस और भी कई सारी लैंग्वेजेस। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स which we can better use this chat GPT for us as a front-end programmer. दोस्तों, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने सबसे पहले सर्च किया कि फ्रॉम वेयर आई कैन लर्न जावास्क्रिप्ट, और यकीन मानिए इसने मेरे को सारे रिसोर्सेज जहाँ से मैं जावास्क्रिप्ट सीख सकता हूँ वो सारे इसने मेरे को ला के दिए, टॉप मोस्ट रिसोर्सेज जो हम अक्सर अपने गूगल सर्च में देखते हैं। इसके बाद मेरा क्वेश्चन था कि हाउ कैन आई बी ए फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड व्हाट इज द रोड मैप, एंड यू कैन सी द आंसर फॉर दिस चैट जीपीटी टूल हियर। लर्न बेसिक एचटीएमएल सीएसएस, गेट फैमिलियर विद द वेब डेवलपमेंट, लर्न अबाउट वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन। सो ऑलमोस्ट वेरी सेटिस्फैक्ट्री आंसर, जिस टूल की बात मैं आपको शुरू में कर रहा था, सेम उस टूल का यूज करके, यानी कोडेक्स और लैंग्वेज मॉडल GPT-3 का यूज करके, इट गिव्स मी द परफेक्ट आंसर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि हाउ कैन आई पुश माय फर्स्ट कोड स्निपेट टू गिट रेपोजिटरी, और इसका भी आंसर इसने पॉइंट टू पॉइंट विद ऑलमोस्ट एवरी यूजफुल गिट कमांड्स जो इस पूरे ऑपरेशन में मेरे को जरूरत होगी, वो इसने सभी मेरे को पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करके दी है। दैट्स रियली ऑसम।
दोस्तों इस बार मैंने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की, जैसे कि हाउ कैन आई क्रिएट माय फर्स्ट वेबसाइट फॉर माय ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर। और दोस्तों इस क्वेश्चन का इससे अच्छा जवाब मेरे को पॉइंट टू पॉइंट मेरे को मिल ही नहीं सकता था। इसके बाद मैंने ट्राई किया कि आई वन रिजाइन फ्रॉम माई करेंट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज, और मैंने इसको एक टेम्पलेट बनाने को कहा इस ईमेल के लिए। तो देखिए इसने कैसा टेम्पलेट बनाया। दोस्तों ये टेम्पलेट जो इसने पूरे 1 मिनट से कम के टाइम में भी इसने मेरे को बना के दे दिया। अगर आप इसे गूगल में नॉर्मली सर्च करने जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत एफर्ट तो फिर भी लगाना पड़ेगा, लेकिन थैंक्स फॉर चैट जीपीटी कि मेरे को कुछ ही सेकंडों में इसने टेम्पलेट बना के दिया। इसके बाद कि आई हैव 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ए सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर एंड राइट ए रेज्यूम फॉर मी। दिस इज रियली ऑसम, इज इट इट? नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू जावा स्क्रिप्ट की राइट ए जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम टू जनरेट द 6 डिजिट रैंडम स्ट्रिंग। दैट्स रियली नाइस। दोस्तों प्रोग्राम के साथ साथ इसने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले मैथ फंक्शंस को इसने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि इसने वहाँ क्यों और कैसे यूज़ किया। एंड व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस फंक्शन जो इसने अभी बनाया है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राइट ए यूनिट टेस्ट केसेस फॉर दिस फंक्शन, इस फंक्शन के लिए यूनिट टेस्ट केस जो इसने अभी ये फंक्शन बनाया है। और आप देखिए किस तरह से इसने मेरे को टेस्ट केस भी इस फंक्शन के लिए बना के दे दिया है। दोस्तों कोड ही नहीं, कोड के साथ साथ ये जो उसको एक्सप्लेन करता है दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। So this is the code with just explanation. Now convert this code into Python code. देखा आपने दोस्तों किस तरह जावास्क्रिप्ट के कोड को इसने चुटकी बजाते ही पाइथन के कोड में कन्वर्ट कर दिया। और सिंटेक्स वाइज ने क्या क्या चेंज किए वो भी इसने अपने एक्सप्लेनेशन में बताया। Now generate the dummy JSON data with 5 customers having ID, name, city, and phone number. देखा दोस्तों कैसे इसने एक कस्टमर ऑब्जेक्ट बना के उसमें एरे डाल के इसने पूरे के पूरे 5 ऑब्जेक्ट इसमें डाले हैं। तो काफ़ी यूजफुल टूल है ये चैट जीपीटी। ऑफ कोर्स यू हैव एन आइडिया कि हाउ यू कैन यूज़ दिस चैट जीपीटी टूल इन योर फ्रंट एंड जर्नी।
एंड दोस्तों माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि राइट द एचटीएमएल एंड सीएसएस टू डिस्प्ले ए कार्ड। अब आप देखेंगे कि किस तरह से ये एचटीएमएल और सीएसएस भी लिखने में आपकी हेल्प करेगा। दिस इज द एचटीएमएल फॉर दिस कार्ड। And this is the example for the CSS which we can use for this card. It can stop in middle sometimes, but it is okay. We can even regenerate the response. Now, how can I fire the five APIs together with promise.all function in JavaScript? दोस्तों चैट जीपीटी ने हमें सिर्फ बोल के ही नहीं बताया है, ऑलमोस्ट जो इसका एक्सप्लेनेशन है, जो कोड है, कोड का जो एक्सप्लेनेशन है, दैट वाज रियली ऑसम। Now use Axios rather than the fetch API in this example. ऊपर वाले एग्जाम्पल में जहाँ इसने promise.all का यूज किया, मैं चाहता हूँ कि इसको Axios की लाइब्रेरी से मैं रिप्लेस कर दूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से वो सेम फंक्शन को, वो फेच API हटाकर यहाँ पर अब Axios यूज कर रहा है। अगेन दोस्तों यू कैन रीजनरेट द रिस्पॉन्स इफ यू वॉन्ट टू जस्ट सी द फुल आंसर, समटाइम्स इट्स स्टक। नाउ क्रिएट ए रिएक्ट कॉम्पोनेंट टू डिस्प्ले ए कार्ड। और आप देखिए किस तरह से इसने मेरे को एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट इस कार्ड को डिस्प्ले करने के लिए इसने मेरे को बना के दिया, इवन बना रहा है और साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू जस्ट स्टक इन ए पॉइंट एंड यू डोंट नो हाउ टू अचीव दैट टास्क, यू कैन डेफिनेटली टेक द हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। नाउ दोस्तों मैं चाहता हूं कि अभी क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज करें, सो यूज क्लास बेस्ड कंपोनेंट इन दिस एग्जाम्पल। और आप देखेंगे कि उस कार्ड कंपोनेंट को बनाने के लिए अब ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज करेगा। ग्रेट। दोस्तों इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने कोई फास्ट फॉरवर्डिंग इसकी नहीं की, बिकॉज मैं आपको टोटल एक एक्सपीरियंस देना चाहता था कि हाउ मच टाइम दिस इज टेकिंग टू जनरेट द रिस्पॉन्स फॉर यू। और आपने देखा कि कैसे इसने कंपोनेंट को कन्वर्ट कर दिया एक फंक्शन कंपोनेंट को क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। नाउ आई नीड एन एपीआई बिल्ट इन एक्सप्रेस जेएस दैट रिटर्न्स द प्रोडक्ट डेटा।
तो देखा आपने कि कैसे इसने आपके मीन और बर्न स्टैक रिलेटेड सारे काम ये वन बाय वन कर रहा है और काफी एफिशिएंटली। और दोस्तों चलिए अब ट्राई करते हैं कुछ एसक्यूएल क्वेरी का। तो एसक्यूएल क्वेरी टू गेट फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स ऑफ द कस्टमर वेयर सिटी इज दिल्ली एंड दिस इज द एग्जांपल ही जनरेट्स फॉर मी। दैट्स रियली नाइस। नाउ आई टाइप के राइट एट टाइपस्क्रिप्ट इंटरफेस फॉर एन एड्रेस ऑब्जेक्ट। वाह दिस इज लिटरली लिटरली वेरी यूजफुल। इवन नोट इट्स क्रिएटिंग द इंटरफेस, इट इज इवन यूजिंग दैट इंटरफेस फॉर यू कि हाउ कैन वी यूज दैट इंटरफेस ही जस्ट क्रिएटेड। दोस्तों आज का ये वीडियो ये कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और प्लीज वीडियो को लाइक तो कर ही देना बॉस। तो चलिए मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, मे गॉड हनुमान ब्लेस यू।